पार्टी के सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा। एक धन्यवाद तो आज के लिए और एक धन्यवाद पहला कि जब इस देश की सरकारें किसी के विरोध को बर्दाश्त ना करें और उसकी हत्या पर उतर आएं और आपके उस बुरे समय में कोई आपके साथ खड़ा हो। मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है कि जब 21 तारीख का हम लोग दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे, मेरी एक बार की बात पे दीदी ने अपनी पार्टी के 4-4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वहां भेजा और अन्याय के खिलाफ उस आवाज को बुलंद किया जिसको आज हम देख रहे हैं कि देश भर में किस तरह से लड़ने वालों के साथ अन्याय किया जा रहा है, किस तरह से सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, एनआईए, झूठे मुकदमे, जेल, जो लोग देश के लिए लड़ रहे उनको डराया जा रहा है। फिर उन्होंने मुझे इन्वाइट किया था कि एक दिन घर आना पड़ेगा खाना खाने के लिए, तो हैदराबाद का खाना भी बड़ा मशहूर है, लेकिन उससे अच्छा ये है जो हमारे पीछे हम लोग देख रहे हैं। इसकी टोटल ऊंचाई है 175 फीट, टोटल नीचे से लेके ऊपर तक। अच्छी बात यह है तेलंगाना में कि सिर्फ यहां बाबा साहब अंबेडकर की स्टैचू नहीं लगाई गई, उनके विचारों पे भी कि ये वंचित वर्गों को अपलिफ्ट करने के लिए भी बहुत बड़ा काम हो रहा है। पिछले 2-3 घंटे मैंने जाना किस तरह से यहाँ की सरकार इस प्रदेश में हाशिए पे जो समाज था, दलित, बैकवर्ड, माइनॉरिटी, शेड्यूल ट्राइब, उनको ऊपर खड़ा करने के लिए, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए किस तरह का प्रयास कर रहे। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इनकी कथनी और करनी में ज़्यादा फर्क नहीं, इनकी कथनी जो है उसी तरह से ये लोग काम भी कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ पुनः इस बात के लिए, एक इस निर्माण के लिए कि जहाँ लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को, इतिहास को देश से भुलाने का काम किया, इतिहास में जहाँ पढ़ा जा रहा था वहाँ से हटाने का काम किया, वहाँ आप लोगों ने इतना बड़ा जो है बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू लगा के ये साबित किया। और फिर इसके बाद बराबर में ही हमारी जो सेक्रेटरिएट है उसका नाम ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखा, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि। बहुत सारी योजनाएं सरकार की बहुत अच्छी हैं जिनको जान के बड़ी खुशी हुई, और ये भी कहने में कोई परहेज नहीं है कि पूरे देश में ऐसी योजनाएं शायद अभी की सरकारें सोच भी नहीं पाई। अच्छी बात यह है कि ये काम और आगे बढ़े और इसका लाभ बहुत दूर तक जाके लोगों को मिले, ऐसी जो है मेरी मंगल कामनाएं हैं दीदी के लिए भी और उनकी पार्टी के लिए। उनके सभी साथियों को जो यहाँ काम कर रहे हैं वो तेजी से आगे बढ़े और इस तरह से आगे काम करते रहे। और मेरा ये मानना है कि जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर की स्टैचू यहाँ लगी, वो ऐसी स्टैचू जो नई पार्लियामेंट हमारी बनी उसमें भी लगनी चाहिए, क्योंकि पिछली पार्लियामेंट में तो थी, आज जो सेंटर बैठे उनको बाबा साहब से बड़ा परहेज है, बाबा साहब से बड़ी तकलीफ। लेकिन जब उनको बाबा साहब तकलीफ है तो कुछ ऐसे भी साथी हैं जो बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे खुशी हुई तेलंगाना आके और मुझे खुशी हुई उनके सहयोग के लिए, उनके सहयोग से, और मेरा आगे भी ऐसा विश्वास है। एक समस्या छोटी सी है वो इनके सामने रखो, मुझे उम्मीद है कि दीदी उसको भी जो है जल्द ही जो है उसमें भी हमें सफलता हासिल होगी। और बाकी उनके लिए मंगल कामनाएं कि ऐसे ही जो है कुदरत उनको आगे बढ़ाती रहे, वो आगे बढ़ें और समय समय पर प्रदेश और देश में अपनी लड़ाई को मजबूत करके देश का नेतृत्व करें। धन्यवाद।